विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणेति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैः सयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं स्तं शिरसा नमामि नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रितानां च पालिने जीव दुखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमदायिने नामयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीभार्षभानवि देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण समन्थ विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्यज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणी श्रीरूपानुग वृद्धाप सिद्धांत दंतहारिणी नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसाम्बुधे पादाम्बुजाय ते नमः नाम भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानु गवरायते गौरावृभावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दवनल सम संसार दहनी दग्ध जीव कुल उधर कारणी करुणा वरिद कृपा वारी दानी बंद से गुरु चरण कमल नृत गीत मत श्री हरि चिंतनी राहे नमगन महामत मणि रोमांच कंपासु हरि गौर प्रेमी बंद से गुरु चरण कमल सदा रतनी विग्रह से बनी श्रृंगार मंदिर मार्जनी करेणी युक्त अनुगत जनी बंद से गुरु करण काम सर्वसुचले पेयर समय प्रसादन कृष्ण अति स्वादो भक्तवास्वादनी निज तृप्त रहे बंद से गुरु करना का माला प्रिया का माधव नाम रूप गुणी अनंत माधुर्य
दुर्गा लीला स्वागनी लोभ चिंता जिनी आन प्रतिक्षणी हरि से गुरु चरण जो भगवंता रति संवर्धनी युक्ति कर सके सल वृंदावनी अति दक्षता है प्रियतम गणी बंद जय गुरु चरण कमला सर्वशास्त्र गाय प्रियरी स्वरूप भक्तगण भवे सही अनुरूप किंतु जी प्रभु प्रियतम रूप बंद जय गुरु चरण कमला जहर प्रसाद कृष्ण कृपा पाए जर प्रसाद अन्य गति नहीं त्रिसंध्या तीर्थ तब ध्यानी भाई बंद से गुरु चरण कमल गुरुदेवा अति यत्न करे ब्राह्मण मूर्ति परे उच्च करे वृंदावन नाथ साक्षात श्रीहरि सेवा पाए सही वस्तु से विकास बंदे से गुरु चरण सुना सुनो गुरु चरण कमल जय गुरु देव गुरु गुरुदेव जय गुरु देव गुरुदेव वृंदावन वासी वैष्णव Oh, okay.
गेल रे राती आदिवास तारीरा साजे दुर्लभा मानव देह पाया की कर भावना के हे ना भजले सुता हाइले अस्त देल गेला बोले हाई व्यवस्था तब के नए बे अलग होजरी दया राजे जनासार ताए नाना विधा विपद नाम श्रय करी जतने तुम्हें अथक अपना काजे कृष्ण नाम सुधा करिया पार जुड़ाओ भक्ति विनोद नाम बिना किछो नाम बिना किछो नहीं चौदह भुवन साधन का जगत आसिए मधुर विद्या मेरा सपना रूपे हरित गगनी राजे जमनी गोरा अमनी जागे राधारानी राधिका चरण राधिका चरण सन करी अनायसे पाप
राधिका देख 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 कर सब पीछे गाओ सब छिप जाओ बिना कहिया तनु अनाया से पाद गिरधारी दो सौ बीस
मुनिन्द्र बृंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भो विलासिनी ब्रजेन्द्र वायु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते सदा करी दशियमा कृपा कटा सभाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल फल प्रभारुणा कोमले बराबर सुरत करे प्रभूत संपदालय सदा करी दशियमा कृपा कटा सभाजन अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर सभी हरम दृगंत बाण पाचन निरंतर नंदने कदा करी दशियमा कृपा कटाक्ष भाजन हरिवर्ण संपद प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभाकोटि सारेन्दु मंगल विचित्र चित्र संचर सघोर सावलोचने सदा करी दशियमा कृपा कटाक्ष भाजन मधो मदाधि यौवने प्रमोद पान मंडिते क्रियानुराग रंजिते कलाभिलास पंडिते अनन्न धन्य उजराय काम के लिकोभिते सदा करी दशियमा हार भूषिते प्रभूत कुंभकुंभुतने प्रशस्त मंदहासचूर्ण पूर्ण चौक सागरे सदा करी दशियमा कृपा कटाक्ष भाजन प्रणाल बाल सदा करी
कृपा कटाक्ष भाजन अनंत कोटि विश्वलोक नम्र परम दार्जिते हिमाद जा पुलो मजा विरित जा भवर्गले अपार से दिरित देखा तत्परा मुले नजे करा करी सकी अमा कृपा कटाक्ष कृष्ण देव भवंतं वंदे कृष्ण देव भवंतं वंदे मन मानस मन पर मन पर निज पद पंकज मकरंदे मन मानस मधुकर मर पर निज पद पंकज मकरंदे
राम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे मलवांछा कल्पतरुभयस्य कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाभदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या सुन रहे थे? पहला श्लोक कहाँ तक गए थे? सच्चिदानंद रूपाय भगवान के तीन नाम सुनते थे। हाँ, गोकुले ब्राजमान, इसलिए बोले जसोदा भी अलोक खलाब धाब मानम। अभी कृष्णा घर घर में प्रभु मक्खन चोरी करते हैं। मैया जसोदा सोच रही है शायद मेरे घर का मक्खन शायद खट्टा होता होगा, क्योंकि मेरे घर में जो दासियां मक्खन निकालती हैं शायद सही सही कैसे निकालनी चाहिए उनको पता ही नहीं, इसलिए मेरे घर का मक्खन खट्टा होता होगा और दूसरे घर गोपियों का घर का मक्खन मीठा होता होगा, इसलिए मेरे लाला अपना घर का मक्खन छोड़ करके वो दूसरे घर में ये मक्खन चोरी करता है, इसलिए मैं आज स्वयं मक्खन में खुद बनाऊंगी। कल हम लोग ने श्रवण किया था जो पद्मगंधा जो गाभी का मैया स्वयं दूध निकाल करके अच्छे तरह से उन्होंने गर्म किया, जैसे दूध कंडे के ऊपर रख करके जैसे तुम लाल हो जाए, और उसमें जामुन डाल करके उन्होंने जमा दिए। जमा करके मैया जसोदा एकदम सवेरे सवेरे उठ गई। सवेरे सवेरे उठ करके मैया जसोदा दधि मंथन कर रही हैं, और दधि मंथन करते समय हाथों में तो दधि मंथन कर रही थी लेकिन मुंह में क्या कर रही थी? कृष्ण का कीर्तन कर रही थी। बोले कौन सा कीर्तन है? बोले कुछ तो कीर्तन वहाँ के जो कवि लोग हैं कृष्ण जन्म से लेकर के अभी तक
उनने कौन सा लीला की है, जैसे उसने पुतना वध किए, त्रिनावर्त, सकटासुर, करबट लिया, जन्म लिया, और गोकुल में जो जो कृष्ण लीला करते थे, बड़े सुंदर पदबद्ध करते हुए उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन लिखे। फिर उन लोगों का कुछ कीर्तन, फिर मैया भी खुद कीर्तन कुछ बनाई हैं, जैसे बचपन में जो बच्चे जो नटखट करते हैं, मैया जो चीज़ को देखती हैं उसको उसको मैया जसोदा क्या कर रही थी, मैया जसोदा कीर्तन कर रही थी। इसलिए ये लोग सब ब्रजवासी, सब ब्रज गोपी हैं, जिनका चित्त केवल कृष्ण कथा में, कृष्ण चिंतन में। अभी भी तुम लोग देखोगे, अगर वृंदावन में कुछ जैसे माताएं गांव गांव के अगर कहीं परिक्रमा लगाते होंगे ना, गोवर्धन वृंदावन परिक्रमा लगाते हो, कहीं जाते होंगे, बस कीर्तन करते करते जा रहे, कीर्तन करते करते जा रहे, भगवान की सुंदर सुंदर, हाँ राजस्थान के कीर्तन करते 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 भगवान की सब। पहले यही था, पहले सो डिस्को डांस, उल्टा पुल्टा सिनेमा, इंटरनेट फिंटरनेट, सब कुछ नहीं होता था। जो कुछ हमारे भारत में होता था, राम का, भगवान कृष्ण का लीला को ही सब के सब गाते थे। जैसे घर में ढोलकी मजरा लेकर किसकी कीर्तन करते थे, ठाकुर के कीर्तन करते थे। इसलिए जिनकी रोम रोम में ये सब चीज बैठा हुआ है, इसलिए मैया तो इधर दधि मंथन करती हैं, उधर क्या कर रही हैं, कृष्ण का नाम को ले रही हैं। मैया शिक्षा क्या देती हैं हम लोगों को, कभी कभी हम बोलते हैं ना, हमारे पास में समय नहीं भजन करने के लिए, नहीं, हाथों में जो कुछ करो कृष्ण सेवा मान कर करो, और मुंह में हर समय ठाकुर का कीर्तन करो और ठाकुर का नाम जप कर, हो गया और क्या, हाथ में काम मुँह में नाम, बस कल्याण ही है। इसलिए मैया जसोदा सब माताओं को ये शिक्षा दे रही है। जब ये कीर्तन गा रही थी, बोले गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती, हे कृष्ण हे जा गव हे सखेति, गोविंद राम धर्माधवेति। कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते समय कहते भैया ये कीर्तन क्यों कर रहे थे, कीर्तन क्यों कर रहे थे, बोले कारण है अभी माँ कृष्ण को गोद में लेकर के बिस्तरा में लेट हुई थी, अभी अभी कृष्ण को बिस्तरा में छोड़ करके माँ अभी दधि मंथन कर रही है, अभी कृष्ण को गोद में लेकर सो रही थी। देखो साक्षात भगवान जिनकी गोद में सोए हो, की साधारण बात है, जिनको उपासना करने के लिए कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि कितने कठोर तपस्या करते हैं। अभी गा रहे थे ना, यद्यपि समाधिशु विधिर अपि पश्यति न तब नखाग्र मरीचि, ब्रह्मा जिनकी चरण की नख की छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, ऐसे भगवान की चरण दुर्लभ है, लेकिन उसको माँ लेकर क्या करते हैं, गोद में सो रहे थे, उसको गोद में लेकर सो रही थी। एक दिन मैया ने कन्हैया को कन्हैया को बड़े सुंदर उन्होंने श्रृंगार किया, बोले लाला तू खेल, मैं घर का काम कर रही हूँ। कृष्ण गए और सखाओं को साथ में, आपको पता है बच्चे लोग पहले धूल के ऊपर खेलते थे, ये सब लोट पोट करके कितना श्रृंगार फृंगार सब बिगाड़ करके आ गया। बोले मैया मेरे को गोद में उठा ले, मेरे को दूध पिला ले। मैया कह रही तू गंदा बच्चा, अभी अभी तेरे को स्नान करके कंघी से तेल लगा करके चोटी को मणि मुक्ताओं से अभी अभी तेरे को श्रृंगार किया, अब मिनट में जाकर तू सब बिगाड़ करके आ गया, गंदा बच्चा, तेरे को मैं गोद में नहीं लेता हूँ। इतने में नारद जी आए थे दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं। नारद जी तो देख करके बोले हे भगवान, जिन कृष्ण के चरण को हम ध्यान करने के लिए कोशिश करते तभी हृदय में नहीं आते, आज वह कृष्ण मैया की गोद में चढ़ने के लिए मचल रहे हैं, लेकिन मैया कहते तू गंधा बच्चा, तेरे को मैं गोद में नहीं लेता हूँ, तू गंधा बच्चा है। तब मैया कितने भाग्यवान है, मैया कितने भाग्यवान, इसलिए आज मैया कृष्ण को गोद में लेकर लेट रही थी, अभी कृष्ण को छोड़ करके माँ दधिमंथन करने के लिए आई, दधिमंथन करने के लिए आई तो अभी कृष्ण का जो विरह है माँ से सहन नहीं हो रहा है, कृष्ण को छोड़ करके मैं आ गई हैं,
कृष्ण सो रहे, इतने में जब दधि मंथन कर रही थी कि क्या कर रही थी, बोले कीर्तन कर रही थी। बोले कीर्तन क्यों कर रही थी? कारण है जो कीर्तन और जो भगवान अलग नहीं, एक ही है। इसलिए भगवान से पूछे ना नारद, प्रभु आप कहाँ रहते हो? ठाकुर जी क्या बोले? बोले ना अहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं, दुनिया कहते मैं योगियों का हृदय में रहता हूँ, वहां भी नहीं रहते, कहाँ रहते हो? बोले मेरे भक्त जहाँ मेरे कीर्तन करते। इसका मतलब है हम जब ठाकुर का कीर्तन कर रहे हैं ना, कीर्तन में ठाकुर है, कृष्ण और कहीं नहीं, कृष्ण खुद कहते हैं जहाँ मेरी कीर्तन हो मैं वहीं रहता हूँ। इसलिए उन्होंने छोड़ कर किसको आए? कृष्ण को। लेकिन यहाँ पर जब कीर्तन क्यों कर रही हैं? कहते जहाँ कीर्तन है वहीं पर कृष्ण। इसलिए गोपियों ने जब गोपी गीत को गाए हैं, गोपी गीत को गाए तो क्या हुआ? बोले तासांग आभिर्वित सौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सर्ग साक्षात मनमत मनमत। जब कीर्तन किया, कीर्तन का इतने प्रभाव है, ठाकुर जी गोपियों के बीच में कीर्तन के माध्यम से कृष्ण प्रकट हो गए हैं। ये कीर्तन ऐसे, इसलिए कहते तब कथा मृतम तप्त जीवनम। यहाँ पर राधा रानी कहती है श्याम सुंदर, कृष्ण जब विरह हो जाता, कृष्ण से जब छूट जाती है, उसी समय कृष्ण विरह में हमें अगर कोई आनंद देने वाले, तृप्त देने वाले क्या? बोले तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। तेरे विरह में जो उत्तप्त जीवन में अवस्था में कृष्ण कीर्तन ही हमें ये हृदय को ठंडा करने वाले। इसलिए माँ जसोदा कीर्तन कर रही, लेकिन जहाँ कीर्तन करते हैं वही कृष्ण, कृष्ण तो और कहीं ही नहीं, जहाँ कीर्तन करते हो वही कृष्ण। देखो अगर कोई व्यक्ति अपना हाथों में ठाकुर को सेवा करे और मुंह में कीर्तन करे, इसका फल क्या? देखो फल क्या है, इतने में कृष्ण सो रहे थे, इतने में एक कृष्ण का नींद खुली। देखना बच्चों का जब नींद खुलती है ना, क्या बच्चे चाहते मैया का दूध भी है। अभी कृष्ण तो सो रहे थे, अभी जब उनके नींद खुली, कृष्ण ऐसे ऐसे हाथ किया, मैया कहाँ है, अभी दूध पीऊंगा। जब उन्होंने ऐसे हाथ किया, देखा मैया है नहीं, बोले मैया कहाँ गई, मैया को गोद में तो सो रहा था, मैया कहाँ गई? देखा मैया वहाँ बैठी करके दधि मंथन कर रही है और कृष्ण कीर्तन को गा रही है। इतने में कृष्ण पलंग से, कृष्ण धीरे 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 कृष्ण पलंग से उतरते हैं और उतर करके वो आ करके हैं मैया को पीछे पकड़ लेते। बोले मैया मैया मेरे को दूध पिला दे। मैया बोले लाला तेरे को दूध तो पिला दूंगी और तेरे को मक्खन भी खिला दूंगी, दोनों कर दूंगी, लेकिन अभी अगर सूरज उदय हो जाएगा ना, ये जो हाथ में जो दधि मंथन करते ही हैं, अभी तो ठंडा पानी डाल देते हैं, लेकिन पहले अगर सूरज उदय हो जाएगा ना, वो फिर गर्म हो जाता है, गर्म होगा तो फिर वो मक्खन नहीं निकलेगा, क्योंकि जो मक्खन है एक दिन को बाद में वो मक्खन निकल तो बड़ा मीठा मक्खन होता है, हैं वो फिर वो मक्खन नहीं निकलेगा। बोले माँ बोले लाला थोड़ी सी रुक जा, सूर्य उदय हो जाएगा तो गर्मी हो जाएगी, फिर ये मक्खन नहीं निकलेगा, तेरे को मक्खन भी खिला दूंगी, तेरे को मैं दूध भी पिला दूंगी। और एक बात, जिस समय मैया दधि मंथन कर रही थी, इधर तो कीर्तन कर रही थी, हाथ में चूड़िया पहन कर रखती थी। पहले माताएं जैसे आप लोग एक दो पहने ना, ऐसे नहीं, पहले हमारे गांव में हम देखते थे लड़की जब शादी से पहले तो एक पहनती थी, लेकिन जब शादी होकर जाती है ना हमारे देश में, यहाँ से यहाँ तक चूड़िया पहनती है, यहाँ तक चूड़िया पहनती है। बोले कारण क्यों? कारण है जब वो घर का काम करती है ना, वो जो हाथ का जो चूड़िया झनझन झनझन आवाज होती है, और पहले माताएं हम देखता था हमारे गांव में, सभी माताएं नूपुर भी पहनती थी, हैं नूपुर भी पहनती थी। बोले क्यों? जब स्त्री घर में चलती है ना, वो नूपुर का छम 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 आवाज होती है, और घर का जो काम करती है चूड़िया बजती हैं, चूड़िया बजने पर जो पति है, ये चूड़िया की जब आवाज़ और प्यार की चरण की जो नूपुर का छम छम आवाज, ये पति को कान का आनंद देता था। क्यों? पति सोचता था मेरी पत्नी घर की काम कर रही है, घर की सेवा कर रही है, घर में डोलती हैं, डोलने पर नूपुर बजती हैं। इसलिए मैया जसोदा तो यहाँ से यहाँ तक तो चूड़िया पहन कर रखती थी, ऐसे ऐसे करके मंथन कर रही थी, करते समय ये चूड़ियों का आवाज़ हो रही थी। कैसी आवाज़ हो रही थी? जैसे हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन में मजीरा बजाते हैं,
ये चुड़िया किसका काम कर रही थी? बजरा की काम कर रही थी। अभी वो जो रई था उसमें घर 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 है बहुत बड़ा। अभी भी नंदगांव में जाओगे ना, हम गुरुदेव हमको ले जाते थे जब परिक्रमा में, इतना बड़ा मटकी है, इतना बड़ा हमारा हाथ भी नहीं जाएगा, इतना बड़ा मटकी, पता नहीं कितने मन उसके अंदर में हाँ दही होता था और मैया जिसमें मंथन करती थी, इसमें जो घर 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 आवाज होता था, वो घर घर किस चीज की आवाज? उदाहरण देते हैं, जैसे ये मृदंग बजती हैं, ये मृदंग कौन है? ये नित्यानंद प्रभु, ये बलदेव प्रभु हैं, ये बलदेव नित्यानंद प्रभु रूप में ये कृष्ण सेवा करती हैं। अब ध्यान देकर देखना, ये मृदंग से एक जो आवाज निकलती है, धिक्तांग धिक्तांग धिक्तांग, क्योंकि ये बलदेव प्रभु, ये गुरु, गुरु क्या शिक्षा देता है? भगवान की भजन करो, ये दुर्लभ जीवन मिला है, जीवन को बर्बाद मत करो। धीक तांग, तांग मतलब उसको, धीक मतलब अधिकार है, किसको अधिकार है? जिनको ठाकुर जी मानव शरीर दिए, लेकिन देने का बावजूद भी जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उनको जीवन को हम धिकार, उनको जीवन को धिकार, ये मृदंग कहता है, हैं? ऐसे माँ जसोदा जब कीर्तन कर रही थी, अभी कृष्ण आकर के पीछे पकड़ लिए, मेरे को दूध पिला दे, इतने में मैया बोले तेरे को सब पिला दे, रुक जा, बोले रुक जा, अभी भूख लग रहा है मेरे को, बोले रुक जा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन मैया को पीछे पकड़ कर कृष्ण रखे, बोले मैया मेरे को दूध पिला दे, लेकिन मैया दधि मंथन बंद नहीं कर रही थी। कृष्ण ने देखा जब तक इनकी दधि मंथन बंद नहीं कर दूँ, तब तक माँ मेरे को दूध नहीं पिलाएगी, इसलिए पहले इसका मंथन को बंद करे। कृष्ण सामने घूम करके आ गए, आ करके जो रही था ना है, जो उसको ऐसे पकड़ कर रख दिया, जब पकड़ कर बंद कर दिया, मैया ने देखा लाला तो बड़ा चतुर है, हैं, बड़ा चतुर लाला है। इतने में मैया कृष्ण को गोद में लेटा बैठा करके हैं, माँ जसोदा उनको दूध पिला रही थी। जब दूध पिला रही थी, जब दूध पिलाते समय हैं, साधारण बच्चे को जो माताएं दूध पिलाती हैं उनको कितना खुश होता होगा, लेकिन जहाँ ठाकुर जी दूध पी रहे हैं, कृष्ण माँ जसोदा कृष्ण को मुखार बिंदु को बारम्बार चुंबन कर रही थी, हैं, चुंबन कर रही थी, इधर कृष्ण को दूध पिला रही थी। दूध पिलाते समय वहाँ कर कहते हैं माँ जसोदा की सारा शरीर रोंगेट हो रहा था, आंखों से आंसुओं की झरी बह रही थी, बोले क्यों? ठाकुर जी को दूध पिला रही है, ठाकुर जी को दूध पिला रही है मैया जसोदा। और इधर मैया जो कपड़ा पहनी हुई थी ना, सूक्ष्म बास, एकदम कौन सा, एकदम बहुत पतले साड़ी पहनी हुई थी, है जो इधर से उस तरफ में दिखाई पड़े, और मैया जसोदा की जो साड़ी अद्भुत साड़ी थी, रेशमी की साड़ी, फिर दधि मंथन करते समय थोड़ा परिश्रम भी हो रही थी, शरीर से एक बूंद पसीना भी मैया का शरीर से टपक रहा था। इतने में जब दूध पिला रही थी, चुंबन कर रही थी, इतने में क्या हुआ, चूल्हे के ऊपर में मैया हैं दूध गर्म करने के लिए बैठा रखी थी। जब बैठा रखी थी चूल्हे में, अभी वो दूध क्या हो रहा है, धीरे 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 गर्म गर्म हो करके अभी धीरे धीरे ये दूध अभी उफन रहा है, उफन करके आग में गिरने जा रहा है। यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी कह रहे हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं ये दूध उफन उफन करके गिर रहा है, क्या कारण है? बोले कारण है ये ब्रज का जो दूध है ना, वो साधारण नहीं है, हैं, वो भी बलदेव प्रभु स्वरूप जो कृष्ण सेवा करते हैं, वो भी चिन्मय है वहाँ के दूध। माने ये दूध कह रहा है मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया। बोले क्यों बर्बाद हो गया? बोले माँ के स्तन में कितने दूध है, हम जो खीर समुद्र सुनते हैं ना, वो सारे खीर समुद्र माँ के स्तन में ये समाया हुआ है, हैं? इसलिए कहते ये पृथ्वी में जितने माताओं को स्तन में जो दूध कहाँ से आती है, बोले मैया जसोदा के स्तन से, इसलिए माँ जसोदा, मूल माँ माँ जसोदा, इसलिए मानो पूरा खीर समुद्र उनके स्तन में समाया हुआ। और कृष्ण का पेट कितना बड़ा है, उनका पेट भी छोटे मोटे नहीं, उनका पेट में भी विश्व ब्रह्मांड, उनका पेट में विश्व ब्रह्मांड विद्यमान है, सारा विश्व ब्रह्मांड पेट में समा जाएगा। इसका मतलब है कृष्ण अभी वो दूध सोच रहा है, लगता है मैं कृष्ण सेवा में लग नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं लग पाऊंगा?
क्योंकि माँ के स्तन से दूध भी खत्म नहीं होगा, कृष्ण का पेट भी भरेगा नहीं। जब पेट नहीं भरेगा लगता है मैं कृष्ण सेवा में मैं लाग लग नहीं पाऊंगा। इसलिए अगर ये जीवन को पा करके अगर हम कृष्ण सेवा में नहीं लग पाए तो फिर क्या ये जीवन हमारी धारण करना बेकार है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन कहते हैं, के ना बाचाए प्राण के सुख लगे आ नरोत्तम दास के ना नागल मरिया पाषाणी कुटीब माथा अनले पसीब गौरांग गुनेर निधि को था गेले पाब। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर ये कीर्तन में कहते हैं अगर हमें महाप्रभु का दर्शन नहीं मिला तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ये आग में मैं प्रवेश कर जाऊंगा, ये सर को पत्थर के ऊपर मार मार कर सर को हम फोड़ देंगे। बोले क्यों? बोले भगवान की अगर दर्शन नहीं मिलेगा तो भगवान का कृपा नहीं होगा तो जीवन को रखना बेकार है। इसलिए कहते केनवा अच्छा प्राण की सुख ला गया। वो कह रहे हैं अगर ये जीवन में अगर प्रभु की भक्ति नहीं हुआ तो ये जो प्राण हम क्यों धारण करें, कहते जीवन का हम धारण क्यों करें। बोले इसलिए ये जीवन को धारण करें केवल भगवान की भजन के लिए। अगर जीवन पा करके प्रभु का भजन नहीं किया तो जीवन धारण करने का क्या लाभ, कोई लाभ नहीं। इसलिए ये जो दूध है वो उफन उफन करके पानी में क्यों गिरने जा रहा था, वो इसलिए गिरने जा रहा था कृष्ण सेवा में तो लग नहीं पाऊंगा, इससे तो अच्छा है ये जीवन को अग्नि में आहुति दे देनी चाहिए। लेकिन माँ जसोदा तो बड़ी दयालु, इसलिए उनका नाम माँ, माँ मतलब देखना माँ बोलते ही ना मुंह खोल जाती है, मतलब क्या है मैया जरूर कुछ खिलाएगी, इसलिए माँ शब्द बड़े प्यारे शब्द है इसलिए खोल जाती है। लेकिन वो तो जसोदा, जसोदा मतलब क्या, सबको जो जस देने वाले ये माँ जसोदा हैं। अभी माँ तो बड़ी दयालु, माँ थी बड़ी कृपालु, इसलिए अभी मैया अभी जब देखा दूध उफन रहा है, बोले दूध उफनना नहीं, मैं हूं ना तेरे को, मैं कृष्ण सेवा में लगा हूं, थोड़ा डूब जा, इसलिए मैं तेरे को अभी कृष्ण सेवा में लगा रहा हूं, उफन उफन करके गिरना नहीं। और कहते दूध अगर उफन करके चूल्हे में गिर जाए ना बच्चे का अमंगल भी होता है। इसलिए इतने में कृष्ण बोले लाला थोड़ी सी गोद से उतर जा, अभी मैं दूध को रखिया करके आती हूँ फिर तेरे को मैं दूध पिलाऊंगा। बोले क्या, अभी मेरा आधा पेट ही नहीं भरा, तू कहते अभी मेरे को छोड़ करके अभी दूध रखिया करने के लिए जाओगे, इसलिए पहले मेरे को भर पेट अभी मेरे को दूध पिला करके फिर तुम जाया करो दूध रखिया करने के लिए। इतने में कृष्ण बोले नहीं मेरे को भर पेट खिला करके जा। मैया सोच रही है इधर दूध भी उफन रहा है इधर लाला भी उफन रहा है, यहाँ पर दोनों ही उफन रहे हैं, इसलिए अभी मेरे को क्या करनी चाहिए। इसलिए पहले हमें लाला, बाद में मेरे स्तन में जो दूध है ये लाला तो पी लेगा, लेकिन वो जो अगर दूध उफन जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर दूध उफन जाता है ना फिर उसमें मलाई नहीं बनती है, जो चीज़ उफनती है वो मलाई होता है, हैं वही जो उफनता हुआ चीज ही मलाई बनती है, मलाई नहीं बनेगा तो मक्खन नहीं बनेगा, मक्खन नहीं बनेगा तो लाला के भर में कहाँ क्या खिलाऊंगी, फिर क्या कुछ खिला नहीं पाऊंगी। इसलिए मैया ने सोचे पहले दूध को रखा करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कृष्ण को बोले थोड़ी सी गोद से उतर जा, बोले नहीं उतरूंगा, जैसे बंदर को देखा ना बंदर बच्चा क्या करता है माँ को इसे पकड़ करके रखता है, मैया यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ छलांग लगाता है, इतने में कृष्ण तो बंदर का बच्चा जैसे माँ को एकदम जोर से पकड़ करके उन्होंने रखे, जो जोर से पकड़ करके रखे इतने में पकड़ कर रखने पर देखो हम लोग कथा सुन रहे थे सुनते थे ना, कृष्ण जब केवल 6 दिन का थे, कृष्ण जब केवल 6 दिन का थे उसी समय में कोशिश किया पुतना जैसे इतनी शक्तिशाली राक्षसी कृष्ण को छुड़ाने के लिए कोशिश किया, कितने 6 जब कृष्ण को केवल 6 दिन था छुड़ाने के लिए कोशिश किया लेकिन वो छुड़ा नहीं सके, हैं उनको छुड़ा नहीं सके। लेकिन अभी कृष्ण 3 साल के हो गए, लेकिन माँ ने बोले बैठोगे नहीं, बोले नहीं मेरे को दूध पिला करके जा, बोले बैठोगे नहीं कैसे, पकड़ करके जोर जबरदस्ती वहाँ बैठा दिया,
कृष्ण का सारे बल वीर्य पराक्रम सारे स्तब्धीभूत हो गया, कोई काम नहीं किया। क्यों? कहते कारण क्या? बोले कारण ये है, यहाँ पर वात्सल्य प्रेम है, यहाँ पर माँ के हृदय में प्रेम है, और पुतना का हृदय में प्रेम थोड़ी था। वो क्या सोच रही थी, हैं कृष्ण को मैं छुड़ा नहीं सकती हूँ, ये बच्चा 6 दिन का है, इसलिए वो ताकत लगाना चाहती, लेकिन मैया ताकत नहीं प्रेम। जैसे माँ सोचती है ना बच्चों को, ये मेरे लाला मेरे गोद से जन्म लिया, कहीं से उतरोगे नहीं, बैठ यहाँ पर, क्योंकि भावना किया ये मेरे बच्चा है, इसलिए जोर जबरदस्ती उनको लेकर के उनको जोर जबरदस्ती उन्होंने बैठा दिया। बैठा दिया तो अभी तो चुपचाप कृष्ण एकदम चुपचाप बैठी गई, उनका कुछ भी बल पराक्रम कुछ भी काम नहीं किया। जब चुपचाप बैठी गए, इतने में मैया ने दूध को रक्षा करने के लिए गई। जब गई, देखना बच्चे को जब क्रोध आता है ना, सामने जो देखता है सब फेंक फांक देता है, हैं? बोले कितना दूध तू बचाओगी, अभी मैं मजा चखा देती हूँ, हैं? इतने में कृष्ण ने सोचा, ये जो मटकी था ना, पूरा मटकी को मैं पलट दूँ, लेकिन उसका नीचे रहता है ना, जो क्या बोलता है, मला रहता है, जिसको ऊपर मटकी को रखते हैं, और इतना बड़ा मटकी कृष्ण जब कोशिश किया उसको, हैं, कृष्ण कोशिश किया उसको हिलाने के लिए, लेकिन कृष्ण से तो टस से मस भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कर पाए। बोले कुछ हो ही नहीं रहा है, हैं, ये मटकी तो मैं हिला नहीं पा रहा हूँ। वहाँ पर इधर उधर देखा, देखा वहाँ पर जिसे जिसमें मसला पीसते हैं ना, उसको क्या बोलता हूँ, सील बट्टा, हैं, वो सील बट्टा वहाँ पर पड़ा हुआ था, वो सील बट्टा को उठाया और मारे, और मारते ही मटकी फूट गई, पहले तो मिट्टी का होता था, फूट गई, और वो अंदर में मंथन करते करते छांच बन गया था, अरे निकलने लग गया। जब कृष्ण खुश हो गए, मैंने मटकी फोड़ दी, बहुत बड़ा काम कर दी, मटकी हमने फोड़ दी, और धीरे 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 क्या निकल रहा है, सबके सब दही निकल रहा है। इसलिए जब दही निकल रहा था, इतने में कृष्ण बड़ा खुश हो रहा था देख देख करके। जब सारे निकल गया ना, फिर बोला हे भगवान, अभी तो मैया आएगी, मैया अगर देखेगी ये मटकी में फोड़ दिया ना, एक डंडा नीचे नहीं सो पीठ के ऊपर पड़ेगा। इतने में कृष्ण ने क्या किया, डर के मारे वहां से भग गई, भग करके फिर पास में दूसरा घर था, और दूसरे घर में कृष्ण गए और एक उखल पर खड़े हो गए, और ऊपर से जो मटकी था, हाँ, मटकी को उतारे, जितने मक्खन था, और सारे मक्खन को कौवा बंदर को बुला लिया, बोले इधर आ जाओ। बोले कौवा मक्खन को खिला रहे थे, बोले क्यों खिला रहे थे, बोले ये कौवे कौन है, बोले ये काक भूषण के वंशधर है, जो राम कथा नीलगिरी पर्वतों पर बैठ करके जो राम कथा करता है। कहते ये बंदर कौन है, बोले हनुमान का वंशधर है, इन लोगों ने रामलीला में तो मेरे को बड़ी मदद किया है, मैंने इनको कुछ भी नहीं खिलाया, राज्य से तो निकल गया था, ये अपने आप जंगल में जा करके फल मूल को एकत्रित करके, हैं, फल मूल को एकत्रित करते हुए वो खुद अपना हाथों से खाए, और मेरे लिए इन लोगों ने युद्ध किया है, हैं, इन लोगों ने मेरे लिए युद्ध किया। अभी कम से कम रामलीला में तो कुछ खिला नहीं पाया, भैया कृष्ण लीला में तो कुछ खिला दो, आओ इधर आओ, लो मक्खन खाओ, ए उनको मक्खन खिलाना शुरू कर दी। जब मक्खन खिला रही थी, इतने में मैया थोड़ी देरी में वापस आया तो देखा घर में पूरा घर में दही फैला हुआ, छाछ। बोले ये क्या हो गया, ऐसे कैसे, मटकी जैसे के तैसे, पता नहीं अंदर से नीचे से फटा हुआ है, छेद किया हुआ। इतने में उन्होंने देखा तो एकदम नोड़ा से, छील नोड़ा से नीचे छेद किया हुआ और पूरा। इतने में मैया को इतना क्रोध आ गया, क्योंकि पहले केवल मिट्टी का पात्र होता था, मिट्टी का पात्र में तुम कोई बनाया हो खाना कभी नहीं बनाए, गांव में मिट्टी का पात्र से ही सारे खाना बनती है, इसलिए बड़ा टेस्ट होता है, गैस नहीं कैसे लकड़ी से, उसमें अलग टेस्ट होता है, वो चीज़ से अगर खाना धीरे 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 खाना अगर पके तो उसमें अलग टेस्ट होता है, संपूर्ण अलग। इसलिए मैया ने, और वो जो मटकी आप लोग ने इतना व्यवहार नहीं किया, हम गांव का हमने देखा है, वो मटकी क्या होता है, घी पी 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 करके ना, जितने घी पीता है वो मटकी उतना मजबूत बनता है, सहज में वो मटकी नहीं टूटता, क्यों, घी पी पी कर मजबूत हो गया था। मैया ने सोचा मेरी ये सांस के समय की मटकी, और ये घी पी 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 करके इतना मजबूत हो गया था, और तुमने ये मटकी तुमने फोड़ दिया। मैया को तो ऐसे क्रोध आया, भले इसको मजा चखानी चाहिए, मैंने
पहले दूसरे दूसरे गोपियों से मैंने शिकायत सुनता था, तेरे लाला ऐसे मटकी फोड़ता अपना घर में, आज मेरे को पूरा प्रमाण हो गया है सचमुच से तू बदमाश करते हो, इसलिए इसको कुछ सजा देनी ही चाहिए। लेकिन चोर जब चोरी करता है ना, वो जरूर कुछ निशान छोड़ करके जाता है, जिसको देख करके सीआईडी पकड़ लेते हैं। कृष्ण तो छोटे मोटे चोर नहीं, बोले चोरा चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ये चोर का सबसे बड़े चोर कौन है? कृष्ण, जो हृदय को चोरी करता है, मन को चोरी करता, पाप को चोरी करता है, दुख कष्ट को जो चोरी करता है, इसलिए चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ये सबसे बड़े चोर कृष्ण है, बोले इसको दंड देनी चाहिए। अभी मैया जसोदा क्या दंड देगा, इसलिए कल हम सुनेंगे कैसे मैया लाला को कैसे पकड़ करके सजा क्या देती है। ठीक है, बोले श्री राधा दामोदर की, बोले श्री जसोदा दामोदर की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए आप लोग जाओ, अभी हम लोग कुछ कथा सुनेंगे, आप लोग चले जाओ। ठीक है, हाँ बताओ, कल हमने जो कथा सुनाई थी तो कथा सुना कौन, किसको याद है कुछ?